कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब जामताड़ा पहुंची तो वहां एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। आप भी देखिए जरा और गौर कीजिए। कांग्रेस का कार्यक्रम था तो विधायक इरफान अंसारी के समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिला कमेटी के लोग भी मौजूद थे और देखिए क्या हंगामा होने लगा। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ भी धक्का मुक्की हुई और देखिए ये किस प्रकार से इरफान अंसारी के समर्थक उत्पात मचा रहे हैं। राजेश ठाकुर उन्हें भी चोट आई है, ऐसा कि बताया जा रहा है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सभी तरफ के लोग आते हैं और उसमें जब समागम होता है बड़ा, आप देखते हो कुंभ का मेला में कितने लोग खो जाते हैं और कभी कभी स्टैम्पेड भी हो जाता है। विधायक इरफान जो कुंभ के मेला में खो गए थे, इनका वापस हुआ क्या नहीं निलंबन? अभी देखिए वो विषय जो है ना, वो विषय वहाँ पर लंबित है, इसलिए वो सारी चीजें पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब आज हम लोग सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में आपने एक जो पॉजिटिव है उसको देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हमने गुजरात जीता नहीं जीता, तो हिमाचल जीता, हिमाचल की चर्चा कोई नहीं करता, चर्चा सिर्फ गुजरात की होती है। तो हम हिमाचल की चर्चा करेंगे तो लगेगा बैलेंस बात। तो आज के लिए सुखद ये है कि सभी लोग साथ मिल करके और लंबी पद यात्रा की है और हम समझते हैं जितनी संख्या में लोग थे सभी जिलों में इस तरह से आ रहे हैं। जामताड़ा में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये ठीक है कि थोड़ी बहुत सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावनाएं होती है, उस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और हम सभी चीज़ों को पूरी गहराई से देखते हैं। आपका भी पैसा हाँ तो सुन लिया आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को किस प्रकार से सफाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भीड़ है, कुंभ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही सकती है। लोग महत्वाकांक्षी हैं, लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए बवाल हो भी सकता है। राजेश ठाकुर के साथ जो धक्का मुक्की हुई उसमें उन्हें कुछ चोटें भी आई है, ऐसा बताया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस प्रकार का दृश्य निश्चित रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिंतित करने वाला है।